हेलो फ्रेंड, दिस आर दीपक एसनेगी फ्रॉम VFX Forever ब्लॉग। और आज हम लोग कर्व एंड लेवल एडजस्टमेंट को समझेंगे। कर्व और लेवल एडजस्टमेंट एक्चुअली में किसी भी इमेज की कलर इन्हेंसमेंट के लिए यूज़ करते हैं। आज हम लोग एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि कब आप कर्व का यूज़ करें और कर्व कितना बेनिफिशियल है लेवल से। आज हम लोग एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि लेवल और कर्व एडजस्टमेंट बेसिकली है क्या। तो यहाँ पे भी मेरे पास एक इमेज है जिसमें मैं सबसे पहले कर्व को एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडजस्टमेंट लेयर, देन कर्व। इमेज में भी यहाँ पे बहुत सारे एडजस्टमेंट है, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी है जो एडजस्टमेंट की, उसमें कर्व लेवल आपको मिलते हैं। तो कंट्रोल एम शॉर्टकट है कर्व का, एंड देन लेवल का कंट्रोल एल। तो आप बेसिकली कभी भी आप यहाँ से आके यूज़ ना करें, आप सीधे डायरेक्ट एडजस्टमेंट लेयर में आएँ और यहाँ पे आपको कर्व मिलेगा। देन जैसे ही आपने कर्व इसमें अप्लाई किया, ये अलग इंडिविजुअल लेयर पे ओपन हुआ है और आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला जो पोर्शन है वो है हमारा कर्व के प्रीसेट, जो कि अभी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट दिया आप देख सकते हैं। और यहाँ पे अलग अलग प्रीसेट्स दिए हुए हैं, जैसे कलर निगेटिव आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बहुत ड्रास्टिक चेंज आ गया इमेज में। क्रॉस प्रोसेस एंड डार्क एंड, तो ये प्रीसेट दिए हैं। प्रीसेट यूज़ करने में जो ये हमारा लीनियर ग्राफ है आप देख सकते हैं RGB चैनल का, उसमें बहुत चेंज आ रहा है। ये जो चेंज है इस ग्राफ में, ये एक्चुअली में इस इमेज को एडजस्ट करने के लिए, जिसको भी हम लोग देखेंगे। मैं अभी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेट करता हूँ। देन हमारा सेकंड पोर्शन है RGB। अभी मैं यहाँ पे जो भी चेंज करूँगा वो तीनों चैनल में होगा। आप इंडिविजुअल भी रेड में या ग्रीन में या ब्लू में जाके चेंजेस कर सकते हो। देन अभी मैं RGB में ही रहता हूँ। और अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं इस लीनियर ग्राफ के जस्ट पीछे हमें हिस्टोग्राम दिख रहा है, जो ये बता रहा है कि इस इमेज में जो ल्यूमिनेंस है, जो शेड्स हैं, वो किस तरह के हैं। देन जस्ट उसके सामने एक ऑटो ऑप्शन है और मैं इसमें क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने ऑटो पे क्लिक किया, यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं और मेरी इमेज में भी चेंज हुए हैं आप देख सकते हैं। तो मेरी इमेज डल थी, थोड़ी सी ब्राइट हुई है, और यही है इमेज को इन्हेंस करने का टूल। बेसिकली ऑटो क्लिक करने पे इमेज में ये चेंज कैसे हुआ, ये चेंज का जो कैलकुलेशन है वो हमारा हिस्टोग्राम के थ्रू हुआ है। आप देख सकते हैं इस ग्राफ, इस लीनियर ग्राफ के पीछे जस्ट इस इमेज का हिस्टोग्राम बना हुआ है। इस वैल्यू को कैलकुलेट करके ही ये ऑटो एडजस्टमेंट हुआ है। मैं विंडो में जाके यहाँ पे हिस्टोग्राम ऐड कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इस इमेज का जो हिस्टोग्राम है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, RGB का वैल्यू है यहाँ पे। तो इस इमेज के हिस्टोग्राम में जो एक पोर्शन है वो काफ़ी ऊपर है, देन लास्ट में ये पोर्शन बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, यानी यहाँ पे कोई चेंज नहीं है लेकिन इधर है। तो हिस्टोग्राम को समझने के लिए अगेन मैं कर्व एडजस्टमेंट में जा रहा हूँ कि ये हिस्टोग्राम एक्चुअली में क्या है। बेसिकली हिस्टोग्राम यहाँ पे ये बता रहा है कि जो आपकी इमेज का डार्क पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है, और आपकी इमेज में जो ब्राइट पोर्शन है वो काफ़ी कम है। और इसी को देखते हुए जो ऑटो एडजस्टमेंट है वो हुआ है। आप देख सकते हैं कि मेरी जो इमेज थी वो थोड़ी सी डल थी, यानी इसमें डार्कनेस वैल्यू तो अच्छी है लेकिन ब्राइटनेस कम है। जैसे मैंने ऑटो किया ये चीज़ इन्हेंस हो गई। ये हिस्टोग्राम के थ्रू हुआ है कि सॉफ्टवेयर ने कैलकुलेट किया है कि इस इमेज में ये वैल्यू ज़्यादा है और उसने एडजस्ट किया इसका ल्यूमिनेंस वैल्यू। तो आपको अगर किसी इमेज में उसकी ल्यूमिनेंस वैल्यू को एडजस्ट करना है तो आपको अपने चैनल्स को एडजस्ट करना पड़ेगा। यानी अगर आपने अपनी इमेज में RGB की वैल्यू को एडजस्ट कर दिया तो आपकी इमेज में जो कलर क्वालिटी है वो इन्हेंस हो जाएगी। ये बेसिक फंडामेंटल होता है कलर करेक्शन का, जो जिसके लिए हम लोग कलर ग्रेडिंग और कलर करेक्शन को यूज़ करते हैं। फाइनली तो कलर करेक्शन करने के लिए हमारे पास बहुत अच्छा टूल है जिसको हम लोग अभी देख रहे हैं।
और जो कि है हमारे पास कर्व। अब हम लोग इन पॉइंट्स को समझते हैं कि बेसिकली ये पॉइंट्स क्या हैं। हमारा जो ये पोर्शन है आप देख सकते हैं ये ब्लैक है, दैट मीन्स ये जो पोर्शन है ये इमेज की डार्कनेस को शो कर रहा है। किसी भी इमेज का जो डार्क एरिया होगा वो हम लोग यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, देन किसी भी इमेज का जो ब्राइट एरिया होगा वो हम लोग यहाँ से एडजस्ट करेंगे। फाइन, आप देख सकते हैं अगर मुझे इस इमेज में डार्कनेस को थोड़ा सा और बढ़ाना है तो मैं इसको आगे शिफ्ट कर सकता हूँ। देख रहे हैं ये और डार्क हो रही है। देन अगर मुझे अपनी इमेज में ब्राइटनेस की वैल्यू और बढ़ानी है तो आप देख सकते हैं इसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। तो ये जो मेरा पोर्शन है ये डार्कनेस के लिए, ये जो मेरा पोर्शन है सबसे ऊपर वाला ये मेरा है ब्राइटनेस के लिए, और इसका मिड पोर्शन जो है वो है ओवरऑल दोनों के लिए, वो डार्क के लिए भी है एंड ब्राइट के लिए भी है, और जिसको हम लोग बोलेंगे मिड टोन, यानी जो हमारा ग्रे पोर्शन है। फाइन, यानी जिसमें डार्कनेस भी मिक्स है और ब्राइटनेस भी मिक्स है। तो अगर आपको आपने इस पॉइंट को ऊपर किया, आप देख सकते हैं ग्राफ में, तो आपकी इमेज में ब्राइटनेस भी इंक्रीज हो रही है और उसके साथ साथ शेडो भी हो रही है, आप देख सकते हैं। तो किसी भी इमेज में अगर आपने ये तीनों तीन पॉइंट्स को एडजस्ट कर दिया, आपकी जो इमेज में कलर की क्वालिटी है वो इन्हेंस हो जाएगी, कलर में और डेप्थ आ जाएगी जिससे आप उस कलर को और अच्छे से देख सकते हो। कर्व में एक ग्राफ होता है जिसको हम लोग एस कर्व बोलते हैं, आप यहाँ पे एस कर्व अगर क्रिएट करते हो तो वो तीनों वैल्यू बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाती है। आप देख सकते हो मैंने एस कर्व यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। तो कर्व का जो सबसे मेन पोर्शन है और जो सबसे फ्लेक्सिबल पोर्शन है वो यही है कि आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में जाके यहाँ पे पॉइंट्स ऐड कर सकते हो और अपनी इमेज के किसी भी पर्टिकुलर पोर्शन पे वर्क कर सकते हो। आप देख सकते हैं तो यहाँ पे आपको जितने पॉइंट मिले हैं आप उतने एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे ये पहले प्रीसेट में था, आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड में एक अलग इनवर्स टोन आ गया, मैं यहाँ पे भी चेंज कर सकता हूँ। फाइन, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्शन है कर्व का जिसको हम लोग यूज़ करके कलर करेक्शन करते हैं अपनी इमेज में। देन हमारे पास एक और ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रॉ टू मॉडिफाई द कर्व। यहाँ पे आप मैनुअल ड्रॉ कर सकते हो अपना कर्व, मे बी मैं थोड़ा सा मिड टोन इनक्रीज कर दूँ या मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस या इसका डार्क पोर्शन भी। आप देख सकते हैं एक अलग तरह का आर्टिस्टिक इफेक्ट क्रिएट हो गया इसमें। और अगेन मैं इस जो मैंने थोड़ा सा लीनियर कर्व बनाया इसको थोड़ा सा स्मूथ कर सकता हूँ, आप देखिए। फाइन, तो ये भी एक ऑप्शन है जो कि बहुत रेयरली हम लोग यूज़ करते हैं, बट हाँ अगर किसी तरह का आर्टिस्टिक इफेक्ट आपको क्रिएट करना है आप देख सकते हैं तो आप वो इससे भी क्रिएट कर सकते हो और देन उसको स्मूथ भी कर सकते हो। अगेन मैं रीसेट कर रहा हूँ इसको। फाइन, देन बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्शन जो कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और वो है किसी भी इमेज की तीन वैल्यू, यानी उसकी डार्कनेस, उसकी मिड टोन वैल्यू और उसका ब्राइटनेस। अगर आप किसी भी इमेज में इन तीन वैल्यू को एडजस्ट कर दोगे तो वो इमेज भी इन्हेंस हो जाएगी। मैं इस आई ड्रॉप को ले रहा हूँ जिसमें सेट ब्लैक पॉइंट, मैं इस इमेज का कोई भी एक ब्लैक पॉइंट ले लेता हूँ, आप देख सकते हो थोड़ा सा चेंज हुआ है। देन उसका मिड पॉइंट कोई ऐसी जगह जो कि ना ब्लैक है ना वाइट है, ग्रे है। फाइन, देन एक वाइट पोर्शन या ब्राइट पोर्शन जो कि ज़्यादा ब्राइट भी ना हो और ज़्यादा डार्क भी ना हो। आप देख सकते हो मैंने तीनों पॉइंट एडजस्ट किए तो इसने आरजीबी की वैल्यूज़ को एडजस्ट किया और आपकी इमेज में जो कलर क्वालिटी है वो खुद ही एनहेंस हो गई। फाइन, तो ये एक और बहुत अच्छा ऑप्शन है जो आप स्टार्टिंग जो भी आप कलर कर जब भी आप कलर करेक्शन स्टार्ट करना चाहते हो तो आप इन तीन चीज़ों से, आप इन तीन ड्रॉप से उन तीन वैल्यूज़ को देख सकते हो। आप अपनी इमेज में ब्राइटनेस, आप मिड टोन एंड देन डार्कनेस की वैल्यूज़ में चेंजेस कर सकते हो, उनको समझ सकते हो। तो कोई भी जो कलर करेक्शन
सीखना चाह रहा है वो आई थिंक जो इनिशियल स्टेज होगा वो इन तीन ड्रॉपर से होगा, या आप अपना इंडिविजुअल भी वर्क कर सकते हो कि आप RGB में जाके आप अपने एडजस्टमेंट खुद कर रहे हो, आप उसकी मिड टोन को बढ़ा रहे हो, देन उसकी थोड़ी सी शेडोज़ कम कर रहे हो या उसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस को बढ़ा रहे हो, और अपनी इमेज में खुद देख रहे हो कि क्या क्या चेंजेस आए। या आप एक किसी पर्टिकुलर चैनल में, मैंने रेड में गया मैंने रेड इन्हेंस कर दिया या कम कर दिया, देन मैं ब्लू में गया मैंने ब्लू कम करा, देन मैंने थोड़ा सा ब्लू बढ़ा दिया, ये सारे एडजस्टमेंट करके देख सकते हो कि आपकी इमेज में क्या क्वालिटी आ रही है। और आप पर्टिकुलर चैनल के तीनों वैल्यूज़ पे भी वर्क कर सकते हो, उसकी शेडोज़ पे, उसकी मिड टोन और उसकी ब्राइटनेस पे। फाइन अगेन मैं रीसेट कर रहा हूँ। और हमारे पास एक और बहुत अच्छा ऑप्शन यहाँ पे दिया है, ये हैंड टूल। आप पर्टिकुलर, आप देखिए मैं इसको ले रहा हूँ और मेरा जहाँ जहाँ ड्रॉप जाएगा उस वैल्यू में, यानी ये जो पोर्शन है मेरा ये मिड पोर्शन है, ना तो डार्क है ना तो ये बहुत ज़्यादा ब्राइट है, तो आप यहाँ क्लिक करोगे और देखिए वहाँ पे पॉइंट बन गया। देन इमेज में जो ब्राइट पोर्शन है वो आप देख सकते हैं, और क्लिक करके वहाँ पे पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट ऐड कर दिया। देन हमारा डार्क आप देख सकते हैं, तो ये तीन पॉइंट हमको मिल गए और हम लोग इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है कर्व की, कि आप मैनुअल एडजस्टमेंट कर सकते हो, पर्टिकुलर पोर्शंस में जाके एडजस्टमेंट कर सकते हो। आप हैंड को लेके आप यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ से भी आप देख सकते हैं चेंजेस आप कर सकते हैं इसमें। फाइन, आप पर्टिकुलर चैनल में जाइए, मैं ब्लू में आ रहा हूँ, मैं इसके मिड टोन में थोड़ा सा ब्लू ऐड करना चाह रहा हूँ। आप देख सकते हैं मिड में ब्लू ऐड हो गया, या इसकी शेडो में थोड़ा सा ब्लू ऐड करना चाह रहा हूँ तो, या कम करना चाह रहा हूँ, या इसकी ब्राइटनेस में थोड़ा सा ब्लू बढ़ाना चाह रहा हूँ। तो ऐसे एडजस्टमेंट अगर आप करोगे या ऐसी एडजस्टमेंट्स की प्रैक्टिस आप करेंगे कलर करेक्शन के लिए कर्व में, देन आपको कर्व का जो बेनिफिट है वो खुद समझ में आ जाएगा। देन हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है लेवल, जो कि बिल्कुल ऐसे ही वर्क करता है, बस थोड़ा सा चेंज है, वो इतना फ्लेक्सिबल नहीं है। फाइन अगेन हमारे पास वही तीन वैल्यूज़ आप देख सकते हो यहाँ पे मिल गई है, जो कि है हमारी डार्कनेस, हमारी मिड टोन और हमारी ब्राइटनेस। फाइन, आप इसको ब्राइट करें, आप इसकी मिड पे वर्क कर सकते हैं, एंड देन आपका डार्कनेस, और फिर वही तीन ड्रॉपर जो कि हमारे डार्क और ग्रे और देन ब्राइटनेस को शो कर रहे हैं। फाइन, कर्व की तरह लेवल में भी यहाँ पे प्रीसेट दिए हैं जिनको आप यहाँ पे जाके देख सकते हो, और नीचे एडजस्टमेंट देख सकते हैं, मैं भी इसको डिफ़ॉल्ट कर दे रहा हूँ। फाइन, और यहाँ पे आप वैल्यूज़ भी ऐड कर सकते हो, स्टैमेरिकल रेंज 0 to 255 है, यानी 8 बिट पे वर्क कर रहा हूँ मैं। देन उसके जस्ट नीचे का जो ऑप्शन है वो हमारी इमेज के डार्कनेस और हमारी इमेज की ओवरऑल ब्राइटनेस के बारे में। बहुत बार फोटोग्राफी करते टाइम हमारी इमेज या तो अंडर एक्सपोज होती है या ओवर एक्सपोज होती है, उस टाइम हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं कि हम लोग अगर हमारी इमेज बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज है तो हम लोग उसको थोड़ा सा वाइट पॉइंट उसका कम कर सकते हैं और थोड़ा सा उसको डल कर सकते हैं, या हमारी इमेज बहुत अंडर एक्सपोज है तो देन हम लोग उसमें थोड़ा सा ब्लैक को कम कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल एडजस्टमेंट है इसका, और देन इंडिविजुअल आप चैनल में जाके भी लेवल पे वर्क कर सकते हैं। ये भी हम लोग ने कर्व और लेवल को देखा। कर्व और लेवल को यूज़ करना आपके कंपोजिटिंग सीन के अकॉर्डिंग होता है कि आप कब क्या यूज़ करना चाह रहे हो। बेसिकली कलर करेक्शन के लिए अगर आप कर्व यूज़ कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा स्पेस मिले। कलर ग्रेडिंग एक्चुअली में हम लोग कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे मैं जस्ट आपको एक प्रोसेस ऑफ कलर करेक्शन समझा दूँ कि हमारे जो डिजिटल मीडियम में जो हमारे प्राइमरी कलर हैं रेड, ग्रीन एंड ब्लू। फाइन, और देन जिसको मिक्स करके हम लोग अब सियान, मैजेंटा, येलो भी क्रिएट कर सकते हैं। फाइन, जो कि हमारे सेकेंडरी कलर हैं। कलर करेक्शन करते टाइम आप अगर ये चीज़ ध्यान रखो कि अगर मैंने किसी इमेज में
रेड चैनल में जाके उसका रेड कम किया तो वो उस इमेज में सियान कलर ऑलरेडी इन्हेंस हो जाएगा, या मैंने उस इमेज में ग्रीन को कम किया तो मैजेंटा इंक्रीज़ हो जाएगा, या मैंने उस इमेज में ब्लू को कम किया तो येलो कलर का टोन आने लगेगा। और इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए आप अपने कलर करेक्शन को भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको उसको रटने की ज़रूरत है, ये जस्ट एक प्रैक्टिस की चीज़ है और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या है। फाइन, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक इमेज है और मैं इसमें कर्व ऐड कर रहा हूँ। फाइन, और यहाँ पे आप देखिए कि अगर मैंने अपना रेड चैनल कम किया तो ऑलरेडी एक सियान टोन मिड टोन में ऐड हो रहा है, क्योंकि मैंने मिडिल में क्लिक किया है। और मैं अगर सियान कलर का मिड टोन देना चाह रहा हूँ तो मुझे अपने रेड को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। और यहाँ उसकी शेडो है, आप सियान कलर की शेडोज़ दे सकते हो, या जो ब्राइटनेस है उसको भी इंक्रीज़ कर सकते हो। तो ओवरऑल आप ही यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक सियान टोन दिया क्योंकि मैं रेड कलर को कम कर रहा हूँ तीनों वैल्यूज़ पे। फाइन, वैसे ही ग्रीन है, ग्रीन को अगर आप कम करोगे तो आप बेसिकली मैजेंटा कलर की टोन आपको मिड में मिलेगी। देन ब्लू है, ब्लू का अगर टोन को अगर आप कम करते हो तो येलो कलर इन्हेंस होगा। यहाँ पे मैं एक और बहुत अच्छा इमेज का एग्ज़ाम्पल आपको दे दूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इमेज है जिसमें जो हमारा टेम्परेचर है वो बहुत शिफ्ट है। आप ये भी बोल सकते हो उसमें आरजीबी बैलेंस नहीं है और हम लोगों को बैलेंस करना है। फाइन, मैं अगेन कर्व यहाँ पे ले रहा हूँ और हमारे पास जो कि अभी हम लोगों ने देखा था 3 पॉइंट है, इन 3 पॉइंट से ही हम इस इमेज को बैलेंस करेंगे। फाइन, हमारा ब्लैक पॉइंट, हमारा ग्रे पॉइंट एंड देन हमारा वाइट पॉइंट, ब्लैक पॉइंट आप देख सकते हैं। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, ये ब्लैक है, थोड़ा एडजस्ट हुआ बिल्कुल, तो कहीं और क्लिक करिए। अगर आप क्लिक करते टाइम आपको लगा कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा, आप जाके यहाँ पे रीसेट भी कर सकते हैं। अगेन क्लिक कर रहा हूँ, देन अब मैं अपना ग्रे कलर ले रहा हूँ जो कि वाइट भी ना हो और बहुत ज़्यादा डार्क भी ना हो, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का बहुत अच्छा इन्हेंसमेंट यहाँ पे हुआ है क्योंकि मैंने 2 पोर्शन तो एटलीस्ट बैलेंस कर दिए हैं। देन अब मेरा ब्राइटनेस है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्राइट एरिया है। तो ये एक बहुत छोटा सा एडजस्टमेंट है जो कि मैंने 3 क्लिक में यहाँ किया है। आप अपना रेड चैनल देख सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गया देन आप उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं या थोड़ा सा, देन आप अपने ग्रीन चैनल देख सकते हैं, ग्रीन चैनल इन्हेंसमेंट चाहिए या अगर आप इसकी शेडो कम करते हैं या इसकी शेडो को इनक्रीज करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट हमारा ब्लू चैनल, क्योंकि यहाँ ब्लू चैनल की टोन बहुत ज़्यादा आ रही थी। अगर मैंने ब्लू चैनल की टोन ख़त्म करी तो ये अगेन दोबारा ब्लू इस टोन में आ रहा है। मैंने इसको शेडो को कम किया, मैंने इसकी शेडो को कम किया तो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा ग्रीन यहाँ पर निकल के आ रहा है। और यही आपका कलर इन्हेंसमेंट है जो कि आप कर्व के थ्रू कर रहे हो। ये सेम एडजस्टमेंट आप लेवल में भी कर सकते हैं क्योंकि आपको अगेन ये 3 ड्रॉप यहाँ पे भी मिल रहे हैं, देखिए। देन मेरा ब्लैक पॉइंट, मेरा मिड पॉइंट एंड देन मेरा राइट पॉइंट, वही सेम एडजस्टमेंट है वही, और यहाँ पे भी वही चेंजेस हुए हैं जो आपके कर्व में हुए थे। तो बेसिकली कुछ पोर्शंस में बोथ आर सेम। मैं एक और एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक इमेज है जिसमें मैंने स्काई ऐड किया है। बेसिकली ये इमेज थी जिसमें मैंने स्काई रिमूव करके एक अलग स्काई यहाँ पे मैंने ऐड किया है। इस कलर का जो हमारा फोरग्राउंड है वो हमारे बैकग्राउंड से बिल्कुल अलग है। और जब ऐसा कुछ आप वर्क कर रहे हो जो कि कंपोजिटिंग का पार्ट है, इस टाइम आपको कर्व और लेवल एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है क्योंकि अब यहाँ पे कलर करेक्शन करने की रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो जो यहाँ पे फोरग्राउंड एलिमेंट है मेरा वो बैकग्राउंड से बिल्कुल अलग है क्योंकि ये जो स्काई है इसकी टोन और जो मेरा फोरग्राउंड एलिमेंट है इसकी टोन बिल्कुल अलग अलग है, क्योंकि
क्योंकि दोनों एलिमेंट अलग अलग एनवायरनमेंट से हैं, अलग अलग टाइम पीरियड के हैं, फाइन। और हम लोगों को इसी को मैच करना है। मैं जस्ट अपना फोरग्राउंड एलिमेंट ले रहा हूँ और कर्व ऐड कर रहा हूँ। और अब कलर करेक्शन करते टाइम आपको अपनी इमेज को एनालाइज करना है और ये देखना है कि मुझे ये टोन कैसे मैच करनी है। सबसे पहले अपनी जो स्काई वाला पोर्शन है उसको देखिए, आपका स्काई में ब्लू टोन है, थोड़ा सा ब्राइट ब्राइट पोर्शन भी है, डार्क मैक्सिमम डार्क है, ब्लू कलर की टोन आ रही है, और थोड़ा सा मैजेंटा भी आप देख सकते हैं, तो रेड मैरून टाइप का आप थोड़ा सा मैजेंटा कलर का टोन भी यहाँ पे आ रहा है, जो कि आपको यहाँ पे ऐड करना है। सबसे पहले तो मैं कर्व लेके इसको थोड़ा सा डल करता हूँ, और जैसे मैंने कर्व को डल किया आप देख सकते हो कि मेरी ओवरऑल इमेज डल हो रही है, क्योंकि ये लेयर सबसे ऊपर है और ये इफ़ेक्ट कर रही है बाकी नीचे जितनी लेयर्स हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि कर्व में एक क्लिप मास्किंग का भी पोर्शन दिया हुआ, जो कि इस लेयर से, इसके जस्ट नीचे वाली लेयर से क्लिप हो सकता है। मैंने इसमें क्लिक कर देता हूँ ताकि मैं सिर्फ इस पे वर्क करूँ, ना कि उसके नीचे। तो मैं थोड़ा सा इसको डल कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो एनवायरनमेंट है इसके अकॉर्डिंग मुझे करना है। और मैं शेडोज़ को भी थोड़ा सा डल कर देता हूँ, देखिए। देन हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन होगा ब्लू और ग्रीन, क्योंकि इस पे हम लोग को ज़्यादा वर्क करना है। मैं ब्लू पोर्शन में आ रहा हूँ और ब्लू पोर्शन में मैं थोड़ा सा ब्लू ऐड कर रहा हूँ इस पे, इसकी ब्राइटनेस बढ़ा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ये ब्लू टोन इस धर बिल्कुल ऐड हो जाए। और मैं थोड़ा सा हेज भी क्रिएट कर देता हूँ ब्लू का, फाइन। और ये मेरा मिड टोन है जिसको मैं इन्हेंस कर सकता हूँ। आप देख सकते हो मैंने थोड़ा सा ब्लू ऐड किया है, लेकिन इसमें मैजेंटा और रेड का टोन भी आ रहा है, जो कि मुझे हटाना है। मैं रेड कलर में आ रहा हूँ और मैं सबसे पहले रेड की शेडो उसको क्रश करता हूँ, ताकि ग्रीन उसमें रहे। और थोड़ा सा और रेड को आपको पूरा रिमूव नहीं करना है, क्योंकि आप देख सकते हो मेरे क्लाउड में कहीं ना कहीं रेड टोन भी थोड़ा सा आ रही है, जो कि आपको इसको इसमें ऐड करनी चाहिए। देन मैं ग्रीन में आगे थोड़ा सा स्लाइड चेंज करता हूँ, क्योंकि उसकी मिड टोन और उसकी डार्कनेस में, और ये इसका ब्राइट पोर्शन है, फाइन। तो अभी आप देख सकते हैं मैं लेवल का यूज़ करके कितना एडजस्टमेंट कर रहा हूँ इसमें। मैं पर्टिकुलर आरजीबी चैनल पे वर्क कर सकता हूँ, जिसमें आप तीनों चैनल्स में एडजस्ट कर रहे हो। मैं किसी भी पोर्शन में पॉइंट ऐड करके उसमें चेंजेस कर सकता हूँ। मेरे पास हैंड है, मैं हैंड के मैं यहाँ जाके आप देख सकते हैं पॉइंट ऐड हो गया है इसमें, ये थोड़ा सा मिड टोन का पोर्शन, और मैं यहाँ पे भी चेंजेस कर सकता हूँ, फाइन। मैं बेसिकली ब्लू में आ रहा हूँ और मैं यहाँ पे ब्लू कलर की टोन को थोड़ा सा और दे रहा हूँ, ताकि और क्या हो जाए। मैंने इसमें थोड़ा सा रेड भी ऐड किया है, क्योंकि रेड है उसमें। तो ये बेसिकली मेरा कलर करेक्शन था इस पर्टिकुलर लेयर के लिए, क्योंकि मुझे इस स्काई के साथ इसको मैच करना है। और जब आप ये कर लेते हो, क्योंकि अब ये लग रहा है कि ये इसी एनवायरनमेंट का हिस्सा है, देन जस्ट इसके बाद आप एक फाइनल कलर करेक्शन, जो कि इस सीन को एक फाइनल लुक एंड फील दे सकता है, वो यूज़ कर सकते हो। और उसके लिए आप लेवल लें, और अब आप इसको क्लिप करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये जितने भी नीचे लेयर हैं सब पे वर्क करें। अगेन मेरे पास शेडो मिड टोन एंड ब्राइटनेस है, मैं थोड़ा सा शेडो कम करता हूँ, देन मैं अपनी मिड टोन को थोड़ा सा कम करता हूँ, और मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि एक ड्रामेटिक सीन यहाँ पे क्रिएट हो गया है, जहाँ पे ये पोर्शन बहुत अच्छा हाईलाइट हो रहा है और यहाँ पे थोड़ा सा डार्क पोर्शन है, और बहुत अच्छा वेरिएशन ऐड हो गया है। तो अभी ये एक छोटा सा सीन था जिसमें हम लोग ने कर्व और लेवल को यूज़ किया, और होपफुली मुझे लगता है आपको ये समझ में आएगा कि आप कैसे कर्व और लेवल को यूज़ करके अपने सीन में कंपोजिटिंग कर सकते हो, कलर करेक्शन कर सकते हो, कलर इन्हेंसमेंट कर सकते हो। और बेसिकली दोनों कर्व और लेवल दोनों ही बहुत ही यूज़फुल टूल हैं, बस हम लोगों को अपना कलर सेंस इंक्रीज करना है, हम लोगों को
तीन वैल्यूज़ की समझ होनी चाहिए जो कि आप प्रैक्टिस से भी इंक्रीज कर सकते हो। तो होपफुली आई थिंक यू एंजॉयड दिस ट्यूटोरियल। आई एम दीपक कैसनेगी फ्रॉम VFX Forever ब्लॉग। थैंक यू सो मच।